हेलो फ्रेंड्स सेल्फ हर्षा एंड वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल नर्सिंग बूस्टर आज की वीडियो है एसजीपीजीआई जी पी जी आई नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर पेपर सॉल्यूशन पर हम एस जी पी जी आई का पेपर सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन एंड आप लोग प्लीज़ नोट कीजिए क्योंकि आगे आने वाले पेपर्स में भी हेल्पफुल हो सकता है क्वेश्चंस कई बार सेम सेम भी आ जाते हैं और रिपीट भी हो जाते हैं सो so, ध्यान से हमारी वीडियो देखिए लास्ट तक और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नॉन इन्वेजिव कार्डियक टेस्ट इनमें से कौन सा नॉन इन्वेजिव कार्डियक टेस्ट नहीं है ठीक है नॉन इन्वेजिव मतलब जहाँ पर बॉडी में कोई भी कट नहीं लग रहा है कोई सर्जरी कुछ भी कुछ भी प्रोसीजर हम नहीं कर रहे हैं सर्जिकल so, कौन सा नॉन इन्वेजिव कार्डियक टेस्ट नहीं है ए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम्स बी इको कार्डियोग्राम सी होल्टर मॉनिटरिंग डी कार्डियक कैथेटराइजेशन सो ई सी जी एकोकार्डियोग्राम और होल्टर मॉनिटरिंग नॉन इन्वेजिव कार्डियक टेस्ट है लेकिन कार्डियक कैथेटराइजेशन ये एक इन्वेजिव कार्डियक टेस्ट है जहाँ पर कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है हार्ट में ठीक है राइट आंसर क्या है डी नेक्स्ट क्वेश्चन है एमियोड्रॉन इज टिपिकली डायलूटेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन बट सॉल्यूशन इज कॉमनली यूज फॉर डायल्यूशन सो so, एम्योड्रॉन को जब भी हम एडमिनिस्टर करते हैं तो डाइल्यूट करके एडमिनिस्टर करते हैं लेकिन कौन सा सॉल्यूशन है जो कि कॉमनली डाइल्यूशन के लिए यूज़ किया जाता है ये हमारा क्वेश्चन है सो so, इसका राइट right आंसर क्या है ऑप्शन ए है नॉर्मल सलाइन बी डेक्सट्रोज फाइव परसेंट सी लैक्टेटेड आर और डी ऑप्शन है डेक्सट्रोज टेन परसेंट सो द राइट आंसर इज बी डेक्सट्रोज फाइव परसेंट ठीक है डेक्सट्रोज फाइव परसेंट जो है वो यूज किया जाता है एज अज अः डायल्यूशन

ऑप्शन सी इमीजिएट रिलीज ऑफ मेडिकेशन एंड डी है ईज़ ऑफ स्वेलविंग सो एंटरिक कोटेड टैबलेट्स हमारी जो होती हैं इन पर एक बैरियर लगा होता है ताकि इनको गैस्ट्रिक एसिड से बचाया जा सके इंटेस्टाइन पहुंचने से पहले ठीक है यानी कि इनका जो एब्जॉपशन है वो डिलेड होता है और इनको डिग्रेड होने से बचाने के लिए इन पर एक कोटिंग की जाती है दैट इज़ एंटरिक कोटिंग एक बैरियर बनाया जाता है ठीक है ये एक डिलेड रिलीज कॉज करता है और साथ ही साथ कुछ मेडिकेशंस जो कि हमारी गैस्ट्रिक लाइनिंग को हार्म कर सकती हैं उन मेडिकेशंस को भी एंट्रिक कोट किया जाता है ताकि जो गैस्ट्रिक लाइनिंग है ठीक है वहाँ पर उसको हार्म ना पहुँचा सके सो so, एडवांटेज एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स का रैपिड डिसोल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये डिलेड रिलीज होती हैं सो राइट आंसर है ए so, right क्योंकि गैस्ट्रिक एसिड डिग्रेडेशन से प्रोटेक्शन ये देती हैं इमिजिएट रिलीज़ ऑफ मेडिकेशन ट रिलीज ऑफ मेडिकेशन तो नहीं होता है डिलेड रिलीज होता है ठीक है ईज ऑफ स्वालोइंग ओके सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ एंटरिक कोटेड टैबलेट्स ऑप्शन ए रैपिड डिसोल्यूशन ऑप्शन बी प्रोटेक्शन फ्रॉम गैस्ट्रिक एसिड डिग्रेडेशन ऑप्शन सी इमिजिएट रिलीज ऑफ मेडिकेशन एंड ऑप्शन डी ईज ऑफ स्वेलोइंग क्वेश्चन में पूछा गया है एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स का एडवांटेज कौन सा है ठीक है क्या फ़ायदा है एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स का सो so, कोटेड टैबलेट्स प्रिवेंट करती हैं कि जो मेडिसिन है जो टैबलेट है वो गैस्ट्रिक एसिड्स की वजह से खराब ना हो डिग्रेड ना हो या फिर जो है डिजोल्व ना हो ठीक है वो इंटेस्टाइन तक जा सकें प्लस एक डिलेड रिलीज़ कॉज करता है एंट्रिक कोटिंग उन टैबलेट्स पे सो so, इसका एडवांटेज क्या रहेगा ऑप्शन ए रैपिड डिसोल्यूशन ऑप्शन बी प्रोटेक्शन फ्रॉम गैसड एसिड गैस्ट्रिक एसिड डिग्रेडेशन ऑप्शन सी इमिजिएट रिलीज ऑफ मेडिकेशन या ऑप्शन डी ईज ऑफ स्वेलोइंग सो ये प्रोटेक्शन करता है गैस्ट्रिक एसिड के डिग्रेडेशन से सो द राइट आंसर इज़ बी ठीक है इसका रिलीज़ जो है वो डिलेड होता है सो so, ए और सी तो गलत है एंड डी ऑप्शन ऐसे ही है स्वेलोइंग का कोई लेना देना नहीं है एंट्रिक कोटिंग से ठीक है सो so द सही आंसर क्या है बी नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन एब्जॉर्प्शन प्राइमेरली ऑकर्स इन द आयरन एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है राइट right आंसर है ड्यूडेनम ठीक है आयरन एब्जॉर्प्शन होता है ड्यूडेनम में राइट uh, आंसर right है ए नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर बींग अनरेफ्रिजरेटेड पैक्ड रेड ब्लड सेल्स पी शुड बी ट्रांसफ्यूज विद इन यानी कि अनरेफ्रिजरेटेड होने पे जो पी आर बी सीज़ होते हैं उनको कितनी देर में यूज़ करना होता है ऑप्शन ए फोर आवर्स बी सिक्स आवर्स सी एट आवर्स या डी ट्वेल्व आवर्स सो फोर आवर ट्रांसफ्यूजन रूल होता है कि चार घंटे के अंदर अंदर आपको पी आर बी सीज़ अगर अनरेफ्रिजरेटेड या फिर जो उनका कंट्रोल टेम्परेचर है उससे हटा दिया गया है तो चार घंटे के अंदर अंदर पी आर बी सीज़ को ट्रांसफ्यूज़ करना होता है ठीक right है राइट आंसर है ए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ़ यूजिंग इलेक्ट्रोमायोग्राफी ईएमजी इन मेडिकल डायग्नोस्टिक्स ऑप्शन ए टू मेजर ब्रेन एक्टिविटी ऑप्शन बी टू एस हार्ट फंक्शन ऑप्शन सी टू इवेलुएट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन मसल्स एंड ऑप्शन डी टू मोनिटर ब्लड प्रेशर सो प्राइमरी पर्पस इलेक्ट्रोमायोग्राफी ईएमजी का क्या है इलेक्ट्रोमायोग्राफी ठीक है मायो मतलब मसल्स सो so, क्या मेजर करेगा मसल की एक्टिविटी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ मसल्स को इवेलुएट करता है राइट right आंसर है सी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द हैंड इज़ टिपिकली यूज टू असेस टेम्परेचर एक्यूरेटली एक्यूरेटली टेम्परेचर कौन सा पार्ट uh, है हैंड का जो कि असेस करता है टेम्परेचर एक्यूरेटली ऑप्शन ए पाम ऑप्शन बी बैक ऑफ द हैंड ऑप्शन सी फिंगर टिप्स ऑप्शन डी रिस्ट सो इसका राइट right आंसर है बैक ऑफ द हैंड ठीक है ये करेक्ट जो लिखा है गलत लिखा है इसका राइट right आंसर है बैक ऑफ द हैंड जो हमारा डॉर्सल एस्पेक्ट होता है हैंड का ठीक है वहाँ की स्किन भी थिन होती है और वो बहुत अच्छे से टेम्परेचर uh, जो है मतलब टेम्परेचर सेंसेशंस को अच्छे से पहचान पाता है हम चेक भी करते हैं घर में कोई ऐसे पीछे से मतलब उल्टा हाथ लगा के देखते हैं ना कि फ़ीवर है या नहीं इसीलिए देखते हैं ठीक <coughs> so right है सो राइट आंसर है बी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस पेरिटोनियल डायलिसिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछा है ऑप्शन ए हाइपरग्लाइसीमिया ऑप्शन बी हाइपोटेंशन ऑप्शन सी पेरिटोनाइटिस ऑप्शन डी हाइपरटेंशन सो द राइट आंसर इज पेरिटोनाइटिस सी पेरिटोनाइटिस सबसे कॉमन uh, कॉम्प्लिकेशन है पेरिटोनियल डायलिसिस का जिसमें जो एबडमन की इनर लाइनिंग है उसका इन्फेक्शन होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी यूज़ ऑफ़ द ग्लासगो कोमा स्केल जीसीएस जो है हमारा स्केल है उसका प्राइमरी यूज़ क्या है किस लिए यूज़ किया जाता है ए टू असेस पेन लेवल बी टू मेजर मसल स्ट्रेंथ सी टू इवेलुएट अ पेशेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड डी टू मॉनिटर रेस्पिरेटरी रेट सो द राइट आंसर इज टू इवेल्युएट अ पेशेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल चेक करने के लिए ग्लासगो कोमा स्केल हम यूज़ करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेक्ट साइज़ ऑफ एन एंडोट्रेकियल ट्यूब फॉर एन एट ईयर ओल्ड चाइल्ड आठ साल का बच्चा है उसके लिए एंडोट्रेकियल ट्यूब का करेक्ट साइज कैसे पता करेंगे और क्या साइज़ है ठीक mm, 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 है ऑप्शन ए फोर एम ऑप्शन बी फाइव एम सी सिक्स एम एंड ऑप्शन डी है सेवन एम सो एंडोट्रेकियल ट्यूब का करेक्ट साइज आठ साल के बच्चे के लिए कैसे करेंगे फॉर्मूला है एजिन ईयर्स डिवाइडेड बाई फोर प्लस फोर ठीक है आठ साल का बच्चा है सो आठ साल का बच्चा है तो एट डिवाइडेड बाई फोर प्लस फोर करेंगे तो साइज आएगा कितना सिक्स एम एम सो अनक ट्यूब के लिए है ये साइज हमारा कितना आंसर सिक्स एम एम राइट आंसर है सिक्स एम एम नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड ए ब्रह्मपुत्र बी गंगा सी मिसिपी रिवर एंड डी ऑप्शन है नाइल रिवर सो ये तो सबको पता होगा लॉन्गेस्ट रिवर वर्ल्ड में हमारी कौन सी है नाइल रिवर ऑप्शन डी करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग यूज फॉर कार्डियक एसिस्टॉल इज कार्डियक एसस्टॉल में कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है सो कार्डियक एसिस्टॉल जब आपका हार्ट पूरी तरह काम करना बंद कर दिया है बिल्कुल बीट नहीं कर रहा है वहाँ पर आप सी पी आर करते हैं वाइग्रसली प्लस ड्रग दिया जाता है एपिनेफ्रिन ठीक है एपिनेफ्रिन दिया जाता है सो द करेक्ट आंसर इज ए नेक्स्ट क्वेश्चन है अनॉन इसेंशियल अमीनो एसिड इज़ कौन सा अमाइनो uh, एसिड जो कि नॉन इसेंशियल है इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन है ल्यूसिन बी लाइसिन सी फेनालाइन एंड डी ऑप्शन है सिस्टीन सो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है सिस्टीन राइट आंसर इज डी नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रग नॉट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर टेंशन इज़ हाइपर टेंशन के ट्रीटमेंट में कौन सा ड्रग यूज़ नहीं किया जाता है ऑप्शन ए लिसिनोप्रिल ऑप्शन बी एटेनोलॉल ऑप्शन सी मेटफॉर्मिन एंड ऑप्शन डी एम्लोडिपिन सो लिसिनोप्रिल एटेनोलॉल मेटफॉर्मिन और एम्लोडिपिन में से आंसर है करेक्ट सी मेटफॉर्मिन क्योंकि मेटफॉर्मिन क्या है मेटफॉर्मिन एक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है ठीक है बाकी लिसिनोप्रिल और एम्लोडिपिन जो है हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं राइट आंसर इज सी नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय अप्रॉक्सीमेटली वट एज इज़ अ बेबी इज वेट एक्सपेक्टेड टू डबल फ्रॉम देयर बर्थ वेट कौन सी एज में बेबी का वेट जो है वो डबल होता है उसके बर्थ वेट से थ्री मंथ्स फाइव मंथ्स नाइन मंथ्स या फिर ट्वेल्व मंथ्स सो द राइट आंसर इज राइट आंसर इज फाइव टू सिक्स मंथ्स फाइव टू सिक्स मंथ्स में बेबी का वेट जो है वो उसके बर्थ वेट से डबल हो जाता है ठीक है राइट आंसर इज बी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हॉस्पिटल कोड कॉमनली यूज्ड टू इंडिकेट अ कार्डियक अरेस्ट और अ मेडिकल इमरजेंसी सो कौन सा हॉस्पिटल कोड है uh, नीचे दिए गए ऑप्शन में से जो कि इंडिकेट करता है कार्डियक अरेस्ट या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी सो ऑप्शन ए इज़ कोड ब्लू ऑप्शन बी इज कोड रेड ऑप्शन सी कोड येलो एंड ऑप्शन डी इज कोड ग्रीन द राइट आंसर इज कोड ब्लू कोड ब्लू है जो कि हम कार्डियक अरेस्ट के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में मैं ये नहीं कहूँगी कि हर हॉस्पिटल में कोड ब्लू ही कहा जाता है बट कोड ब्लू कॉमनली यूज़ किया जाता है कार्डियक uh, अरेस्ट को इंडिकेट करने के लिए ठीक है एमरजेंसी के टाइम पे राइट right आंसर है ए नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर वन क्लीनिंग ऑफ अ पेशेंट अ नर्स इज गोइंग टू एडमिनिस्टर ओरल मेडिसिन व्हाट आर द बेस्ट स्टेप्स द नर्स विल टेक टू अवॉइड कंटेमिनेशन एंड मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक ऑप्शन ए रिमूव ग्लव्स एंड गिव मेडिसिन ऑप्शन बी गिव मेडिसिन विदाउट रिमूविंग ग्लव्स ऑप्शन सी रिमूव ग्लव्स मेंटेन हैंड हाइजीन एंड गिव मेडिसिन एंड ऑप्शन डी इज हैंड वॉश एंड गिव मेडिसिन पेशेंट की वुंड क्लीनिंग की है नर्स ने अब ओरल मेडिसिन देने जा रही है बेस्ट स्टेप्स जो कि नर्स लेगी ताकि कॉन्टामिनेशन ना हो और एसेप्टिक टेक्निक फॉलो कर सके ग्लव्स उतारेगी और फिर मेडिसिन देगी ऑप्शन बी मेडिसिन देगी विदाउट रिमूविंग ग्लव्स ऑप्शन सी ग्लव्स रिमूव करेगी हैंड हाइजीन करेगी एंड देन मेडिसिन देगी एंड ऑप्शन डी हैंड वॉश एंड गिव मेडिस द राइट आंसर इज रिमूव ग्लव्स मेंटेन हैंड हाइजीन एंड गिव मेडिसिन सी सी इज़ द करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ ट्रू अबाउट पलमरी सर्कुलेशन पलमरी सर्कुलेशन के बारे में क्या सही है ऑप्शन ए कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी की तरफ को गलत है हार्ट से बॉडी की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करता है पलमरी सर्कुलेशन ठीक है नेक्स्ट ऑप्शन है इट इन्वॉल्व द राइट साइड ऑफ द हार्ट पंपिंग ब्लड टू द लंग्स सो राइट साइड होता है पलमरी सर्कुलेशन सही है ठीक है और ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ जाता है ये भी सही है सो so, जो पलनरी सर्कुलेशन है उसके अंदर ब्लड uh, जो है वो हार्ट के थ्रू लंग्स पे जाता है ऑक्सीजनेट होने के लिए कौन सा ब्लड जाता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सो द राइट आंसर इज बी नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद अ बेड सोर वट इज़ द बेस्ट मैथड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर वुंड इरीगेशन ड्यूरिंग हैंड ओवर तो नर्स है पेशेंट की केयर कर रही है जिसको बेड सोर है और बेस्ट मेथड क्या रहेगा कम्युनिकेशन का दो नर्सेज के बीच में हैंडओवर के टाइम पे किसको लेके वुंड इरिगेशन को लेके ऑप्शन ए इरिगेट एट लीस्ट वंस ड्यूरिंग द शिफ्ट एक बार इरिगेट करना है शिफ्ट के टाइम पे ऑप्शन बी इरिगेट करना है दो घंटे हर दो घंटे में ऑप्शन सी इरीगेट एटलीस्ट एवरी शिफ्ट टिल कम्प्लीटली क्लीन ठीक है हर शिफ्ट में करना है जब तक कम्प्लीटली क्लीन ना हो जाए और ऑप्शन डी वर्बली इनफॉर्म द नेक्स्ट नर्स टू इरीगेट एवरी फोर आवर्स सो इसका राइट right आंसर क्या रहेगा इरीगेट एटलीस्ट करना है वंस ड्यूरिंग द शिफ्ट मतलब अपनी शिफ्ट में जो है एटलीस्ट वन टाइम जो है इरीगेट करना है उसको वुंड को बेड सोर का जो वुंड है उसको एटलीस्ट वंस ड्यूरिंग द शिफ्ट इरीगेट करना है राइट right आंसर है ए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन इज़ फुली इम्यूनाइज विद हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बेस्ट टाइम फॉर अ बूस्टर डोज सो बूस्टर डोज देने का बेस्ट टाइम क्या है एक पेशेंट के लिए जो कि फुली इम्यूनाइज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन से सो द आंसर इज ऑप्शन डी नो नीड फॉर अ बूस्टर डोज बूस्टर डोज की कोई जरूरत नहीं है ठीक है राइट right आंसर है डी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ फायर इन विच क्लोथ एंड पेपर इज बर्निंग कौन सा कैटेगरी है फायर का जिसमें क्लोथ और पेपर जो है वो जल रहे हैं ठीक है सो राइट आंसर क्या है राइट right आंसर है क्लास क्लास ए कैटेगरी ए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ठीक है जो क्लास ए की फायर होती है उसके अंदर ऑर्डिनरी सॉलिड मटेरियल आते हैं जैसे कि पेपर क्लोथ वुड ठीक है इन सब में अगर फायर होती है तो वो होती है क्लास ए की फायर क्लास बी में हमारे फ्लेमेबल लिक्विड्स आते हैं जैसे कि अल्कोहल ऑयल ग्रीस ठीक है ये सब हमारे आते हैं क्लास बी की फायर में और क्लास सी की या कैटेगरी सी की फायर में हमारे फ्लेमेबल गैसेज आती हैं ठीक so right है सो द राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज़ यूज टू मेंटेन कार्डियक मेम्ब्रेन ड्यूरिंग हाइपर हाइपर के टाइम पर कौन सा ड्रग है जो यूज़ करते हैं कार्डियक मेम्ब्रेन को मेंटेन करने के लिए ऑप्शन ए डोपामाइन ऑप्शन बी कैल्शियम ग्लूकोनेट ऑप्शन सी इंसुलिन एंड ऑप्शन डी सोडियम बाइकार्बोनेट सो ये कार्डियक मेम्ब्रेन जब हाइपर होता है उस टाइम पर कार्डियक टॉक्सिसिटी ना हो और कार्डियक आ, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट ठीक है ये स्टेबलाइज करता है कार्डियक रिस्पॉन्स टू हाइपर केलीमिया राइट आंसर इज ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ नॉन प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्ट्रोसेप्टिव कौन सा कॉन्ट्रोसेप्टिव है नीचे ऑप्शन में से जो कि नॉन प्रिस्क्रिप्टिव है जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है राइट right आंसर है सी कॉन्डम नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन साइट टू अस पल्स इन अडल्ट पेशेंट ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट कार्डियक अरेस्ट के टाइम पर Uh, कौन सी कॉमन साइट है पल्स असेस करने के लिए एडल्ट पेशेंट में ऑप्शन ए ब्रेकियल फिमोरल ऑप्शन सी रेडियल एंड देन कैरोटिड सो राइट आंसर है ऑप्शन डी कैरोटिड कैरोटिड पल्स हम असेस uh, करते हैं जब भी एडल्ट पेशेंट में कार्डियक अरेस्ट होता है ठीक right है राइट आंसर है कैरोटिड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनियम फॉर फ्रेजाइल फ्रेजाइल के लिए फ्रेजाइल जो वर्ड है इसके लिए एक सिनोनियम यानी कि उससे मिलता जुलता ठीक है कौन सा है नीचे ऑप्शन में से ऑप्शन ए रोबर्ट्स ऑप्शन बी स्टडी ऑप्शन सी डेलीकेट या डी रेजिलियट सो द राइट आंसर इज डेलीकेट ऑप्शन सी जो है वो राइट right आंसर है फ्रेजाइल का मतलब है कोमल डेलीकेट ठीक है सो द क्लास इज ओवर ये पेपर हमने एस डी पी जी आई का सोल्यूशन uh, करवाया है ठीक है uh, इसको और ज़्यादा प्रैक्टिस करना प्लस जो जो इसमें टॉपिक्स आए हैं उनको और थॉरली रीड करो हम भी अपनी क्लासेस में इनको सॉल्व uh, करवाएंगे क्लियर करवाएंगे ठीक है और आप हमारी ऐप है नर्सिंग बूस्टर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं उसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे प्लस टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी जो कि फ़्री ऑफ कॉस्ट है और आप उन्हें डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं रीड कर सकते हैं बार बार प्रैक्टिस कर सकते कर सकते हैं थैंक यू सो मच हमारी क्लास को शेयर कीजिए प्लस लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू